वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो सब आप। तो आज हमारा टॉपिक है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तक हमने करा था, सेकंड हम करेंगे एनोड रेज। अब यहाँ पर जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब करा था पीछे, तो कैथोड रे से कैथोड पॉइंट से कैथोड रे निकली थी, क्योंकि हाई वोल्टेज की डीसी अपरेट डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी तो कैथोड रे बाहर निकली थी। पर अगर हम बात करें एनोड रे की, एनोड रे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि ये जो रेडिएशन जो कैथोड रे जो निकली थी वैसे ही निकली होंगी। तो बेटा ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ज़्यादातर बच्चे एनोड रेज के बारे में कंफ्यूज ही रहते हैं, ज़्यादातर उनको समझ ही नहीं आता। तो इसको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरह से, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या था। पर ये एनोड रेज एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन की डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ये बात नोट करना। क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कहीं ना कहीं एटम से अब इलेक्ट्रॉन तो हमने पीछे निकल चुके हैं कैथोड रे से, अब निकलेंगे प्रोटॉन। जैसे यहाँ पर एनोड, यहाँ पर देखो कैथोड रेज, कैथोड इस पर उल्टी कर रखी है, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव है, सर इसको उल्टा कर दिया। और इस साइड जिंक कोटिंग एज इट इज, सेम फ्लोरिसेंट मटेरियल है, चमकदार, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्टिकल गिरेंगे, ग्लो होगा। अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को इनसाइड किया गया एट ए लो प्रेशर, क्योंकि बिना लो प्रेशर पे तो ये प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। और ये जो कैथोड रेज है इस बार इनके अंदर छेद कर रखा है, लास्ट टाइम एनोड में छेद था, अब इसमें कैथोड रेज में छेद। परफोरेटेड का मतलब है बेटा छेद, छेद इसमें मतलब ओपनिंग है, छेदे दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी होल दिखाई दे रहे हैं, कहने का मतलब ये ऊपर है वैक्यूम। हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कैथोड रेज निकलेंगी, यहाँ पर कैथोड रेज निकलेंगी, ये बात ध्यान देना। हम निकालना क्या चाहते हैं, एनोड रेज, पर अभी क्या निकली, कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी कहाँ क्या किसकी तरफ है, पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ, बीच में कौन सी गैस फिल कर रखी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लो प्रेशर पर, ये बात ध्यान। पीछे वाली में कोई हाइड्रोजन गैस नहीं थी, यहाँ पर हाइड्रोजन फिल कर रखी है। ये कैथोड रेज जो निकली है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन गैस के जो हैं उसके ऊपर क्या होगी, अभी अब बोम्बार्ड होगी, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल के ऊपर बोम्बार्ड गिरने वाली, ये वाली कैथोड रेज। एनोड रेज पे तो पहुंचने वाली भी नहीं है, ये बात ध्यान देना, एनोड रेज पे नहीं पहुंचेंगी, बीच में ही पार्टिकल पे बोम्बार्ड होंगी इस साइड, ये वाले एरिया में। और जैसे ही बोम्बार्ड करेंगी पार्टिकल, जो उन गैसों के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एकदम बाहर निकलेंगे, और एकदम जैसे ही बाहर निकलेंगे इस छेद जो होल दिखाई दे रहे हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इन रेडिएशन को नाम दिया गया एनोड रे। जो पार्टिकल गैसों के अंदर से निकल रहे हैं वो भी एक रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकले, इनका नाम क्या था, एनोड रे। और जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर उनको गिराया गया। तो यहाँ से बोम्बार्डमेंट किया गया कैथोड रेज का एयर के पार्टिकल के ऊपर जो कैथोड और एनोड के बीच में थे। तो यहीं से जो पार्टिकल निकले हैं डेट इज कॉल्ड एनोड रेज, और इसी को हम क्या नाम बोलते हैं, डेट इज सॉरी डेट इज कॉल्ड प्रोटॉन। अगर हम यहाँ से इसके बारे में हम बात करें, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हमें पता है, नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर है, ये हम पीछे बता चुके हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी पाए जाते हैं एटम के अंदर। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है, प्रोटॉन इज एनोड रेज की, 1886 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। इस ट्यूब का नाम था क्रूक ट्यूब, या दूसरा नाम हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है बेटा। एक तो ये वाला नाम रे याद रखना, क्रूक ट्यूब तो है ही सही, पर इसको बाद में नाम बदल दिया गया था डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्रूक ट्यूब के बारे में बताया था, अब ये बात ध्यान देना, ये डिस्चार्ज ट्यूब भी काफ़ी बार आपको मिलेगा। और इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप इसको हम ध्यान से देखें तो यही बातें इस थ्योरी में आपको लिखी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं, एक साइड से कैथोड रेज और होल कर रखे हैं कैथोड में, और जैसे ही ये कैथोड रेज जो हैं
वो बोम्बार्ड करती हैं कहाँ पर, खाली एरिया के अंदर पार्टिकल्स गैसों के ऊपर, और वहाँ से क्या निकलती हैं, एनोड रेज। वो एनोड रेज निकलती हैं कैथोड्स के होल से, और वो चार्ज होते हैं उनके पास पॉजिटिव। चार्ज कैसे होते बेटा पॉजिटिव? अब पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से बीच में से निकली हैं, वो किसकी तरफ भागेंगी? कैथोड की तरफ। कैथोड पे चार्ज किया नेगेटिव, और यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो ओरिजन ऑफ एनोड जो रेज है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। कहता है ये रेडिएशन बिलीव की जाती है एज ए रिजल्ट और नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस एटम बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज ऑन डैम। ये बेटा क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रॉन को गिराया गया गैसेस एटम के ऊपर, बोम्बार्ड किया गया, जिससे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनमें से प्रोटॉन को निकाल देते हैं। और एनोड रेज, यहाँ पर क्या लिखा, एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड। एनोड रेज एनोड से नहीं निकली हुई, जबकि ये उनके बीच में जो खाली स्पेस है एनोड और कैथोड के, वहाँ से निकली है। इनकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, वही सेम जैसे कैथोड रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ये भी मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम नाम बोलते हैं प्रोटोन का, ठीक है। सेम उसी तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये डिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया पॉजिटिव रेज। क्या नाम दिया? पॉजिटिव रेज, क्योंकि डिफ्लेक्शन करती हैं। जैसे पीछे एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से कैथोड रेज कभी बैटरी लगा ऑन कर दी तो ऊपर शिफ्ट हो गई, अगर हम यहीं से एनोड रेज पास करते तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, नेगेटिव। मैग्नेटिक लगाते हैं तो ये नीचे हुई थी कैथोड रेज, वो कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ। सेम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रहेगा, कैथोड रेज और एनोड रेज मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या रहती है इसकी, सेम रहती है। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ, जे जे थॉमसन ने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करा था, ई बाई एम निकाला था चार्ज बाई मास रेशो, तो सेम इसी तरह से प्रोटॉन का भी निकाला गया। मतलब एनोड रेज चार्ज बाई मास रेशो जो निकाला गया इसके लिए कैथोड रेज के, एनोड रेज के लिए वो वैल्यू थी 9.54, 9.58 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम, ये ई बाई एम की रेशियो थी एनोड रेज के लिए। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम रेशियो थी वो भी ये थी 1.76 × 10⁸। ये इलेक्ट्रॉन की थी बेटा, ध्यान देना, ग्राम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, और ये वाली कौन सी थी, प्रोटॉन की, 9.58 × 10⁴। ये प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो है चार्ज बाई मास, और पीछे वाली किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर चार्ज बाई मास रेशियो निकालने के बाद अब जरूरत थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास निकालने की। अब हमारे पास ई बाई एम की वैल्यू, चार बाई मास की वैल्यू जो आ चुकी है, चार बाई मास ई बाई एम बोलेंगे जिसे, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है यहाँ पर 9.11 × 10⁻। ई बाई एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है बेटा यहाँ पर 1.76 × 10⁸, ठीक है। ये तो आ गई इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने निकालना क्या, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज मिलिकन ने फाइंड आउट कर दिया था 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, गुलाम इनवर्स ग्राम। और हमने निकालना क्या है, मास, इस मास को इधर ले जाओ, इस वैल्यू को नीचे ले आओ, तो जैसे हम ले कर आएंगे तो एम की वैल्यू मास इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1.9 × 10⁻¹⁰, ये ग्राम में दे रखा है 10⁻²⁸ ग्राम, तो 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम ये इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा। ई बाई एम की वैल्यू जो है, इसमें से ई की वैल्यू हमें पता है, एम की वैल्यू निकालेंगे 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। सेम इसी तरह से हम किसका फाइंड आउट करेंगे, प्रोटॉन का। सेम इसी तरह से बेटा प्रोटॉन का मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ई बाई एम प्रोटॉन की वैल्यू थी 9.58 × 10⁴, चार्ज बाई मास
उसके बाद हमें चार्ज की वैल्यू पता है, ये फाइंड आउट करी थी मिलिकर ने, मास निकालेंगे, इस मास को इधर ले आओ, इस वैल्यू को नीचे ले आओ, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ही 1.6 × 6×10⁻²⁴ ग्राम। ये प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन, और पीछे वाला किसका मास था, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.11 × 10⁻²⁷ ग्राम, और प्रोटॉन का है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। प्रोटॉन की डेफिनेशन दी गई, प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव का चार्ज है और इसका मास नियरली इक्वल माना जाएगा हाइड्रोजन के एटम के बराबर। तो ये प्रोटॉन की डेफिनेशन थी। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास हाइड्रोजन के एटम के नियरली इक्वल था। चलो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हुई। अब हम फाइनली करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो करी थी जेम्स चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और इसका मास भी नियरली इक्वल बोला जाता है प्रोटॉन के, प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है 1.64 × 10⁻²⁷ ग्राम में लोगे तो −24 आएगा, पर मास लगभग सेम है न्यूट्रॉन का। पर न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई ये हम बात करते हैं। जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड करवाया, बोम्बार्ड का मतलब गिराया बेरिलियम की शीट के ऊपर, या बेरिलियम के एटम के ऊपर, मतलब शीट में बहुत सारे एटम थे। जैसे ही गिराता है तो वो कार्बन, मतलब बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन के अंदर। अल्फा पार्टिकल को गिरा रहा है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक तरह से हीलियम, जो हीलियम का चार्ज होता है, हीलियम पार्टिकल, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हीलियम के पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा के ऊपर होता है टू पॉजिटिव, मतलब हीलियम टू पॉजिटिव, डैट इज कॉल्ड अल्फा चार्ज, ठीक है। हीलियम, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, पर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, प्रोटॉन तो सेम है ही सही, तो अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल हम ऐसे देंगे या ऐसे, दो प्रोटॉन और चार उसका एटॉमिक मास है, उसको हमने बेरिलियम के ऊपर शीट के ऊपर गिराया, एटम के ऊपर। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 और 9, जैसे इसको गिराते हैं तो इट कन्वर्ट इंटू कार्बन, साथ में निकलता है एक न्यूट्रॉन। कार्बन का रहेगा 6 और 12, 6 और 12, न्यूट्रॉन 0 और 1। बेटा यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 2 6, 9 और 4 13, 12 और 1 13, न्यूट्रॉन के ऊपर हम 1 लिखते हैं, मतलब ये यूनिट में ही रहेगा इसका मास, तो 12 और 1 नीचे कुछ भी नहीं लिखते, इसका सिंबल इस तरह लिखा जाता है। यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 2 4 6 9 4 13 12 1 13, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन बाहर निकले थे, तो ये न्यूट्रॉन जो थे पार्टिकल, ये चार्ज इनके ऊपर नहीं था। सेम इसी तरह से अल्फा पार्टिकल को बोरोन के एटम पे गिराया गया तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, तो एक पार्टिकल न्यूट्रॉन का बाहर निकला। तो ये जो प्रोसेस थी कि एक एटम को आप दूसरे एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन पहले चैप्टर में भी आया था, ट्रांसम्यूटेशन जब किसी के न्यूक्लियाई को हम चेंज कर दें, वन एटम को दूसरे एटम में चेंज कर दें, डेट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का नाम दिया जाता है इसको, ट्रांसम्यूटेशन, अंडरस्टैंड, ट्रांसम्यूटेशन। ये चैडविक की खोज थी न्यूट्रॉन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, इनके किलोग्राम में यहाँ पर और चार यूनिट में गिवन है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको एक बात और नहीं बताना चाहता हूँ कि टेलीविज़न जो हमारी पिक्चर होती हैं और जो आगे जो हमें स्क्रीन लगी होती है, इस पे जो हमें इमेज दिखाई देती हैं, वो केमिकल, वो फ्लोरिसकेंट ट्यूब होती हैं। टेलीविज़न का जो मेथड है वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर है, ध्यान देना। पीछे से इलेक्ट्रॉन
जो होते हैं वो गिरते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो जिंक सल्फाइड या अलग अलग फ्लोरिसेंट मटेरियल की बनी होती हैं, और जिससे पीछे से इलेक्ट्रॉन गिरने से आगे कोई अलग अलग इमेज हमें दिखाई देती है। तो टेलीविज़न का जो सेम प्रिंसिपल है लाइक ए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा कुछ और बातें जो रहेंगी लाइक ए रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा रेडियो एक्टिव ऐसे मटेरियल हैं जिनसे अपने आप स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप ही रेडिएशंस बाहर निकलती रहती हैं। कुछ एलिमेंट लाइक यूरेनियम रेडियम टाइप के, जिनको हम नाम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनसे तीन टाइप की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मीन्स वही हीलियम पार्टिकल, बीटा एक तरह से नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं, और गामा कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर जो कंटेनर है एक ऐसा शील्डेड कंटेनर है कि तो आप सोच रहे हो कि भाई ये रेडिएशन यहाँ से क्यों नहीं निकली बाहर, यहाँ से क्यों निकली, क्योंकि ये कंटेनर ज़्यादातर लेड का बना होता है, लेड पीबी लेड, जिससे रेडिएशन बाहर नहीं निकल सकती। लेड शील्डेड होते हैं, ध्यान देना, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर होल दे रखा है तभी रेडिएशन बाहर निकली, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ? अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा के ऊपर चार्ज हुआ पॉजिटिव, बीटा के ऊपर चार्ज हुआ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, और गामा सीधी निकल गई तो गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो तीन टाइप के पार्टिकल निकलते हैं, कौन से? अल्फा बीटा गामा। यहाँ लिखा हुआ देखो, ब्लॉक ऑफ लेड, लेड अप्लाई करेंगे ब्लॉक्स के अंदर, लेड के अंदर रखे जाते हैं, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल की तरह ही है, और बीटा पार्टिकल एक तरह से इलेक्ट्रॉन है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं इनको, पावरफुल रेडिएशन है। गामा, गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद है बीटा की, और लेस पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा की, क्योंकि अल्फा का पार्टिकल हीलियम पार्टिकल है तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता। सबसे ज़्यादा गामा रेडिएशन जितना अंदर जाएगी उतना ये नुकसान कर सकती है। तो आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के अगर कोई कांटेक्ट में रह जाए एक घंटे के अंदर अंदर, बहुत सारी सेल हमारी डैमेज हो जाती हैं और कैंसर होने के चांस सबसे ज़्यादा। जब यूएसए ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक न्यूक्लियर बम गिराए थे, तो उनके रेडिएशन आज भी वहाँ पर निकलती हैं। तो काफ़ी जो बच्चे पैदा होते हैं उस शहरों में, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर इफेक्टेड के द्वारा ही म्यूटेटेड हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई कमी आ जाती है। किसी का कान खराब है, किसी की स्किन में हेयर नहीं है, तो कोई गंजा है, कोई, आप बहुत सारी उनकी गूगल पर पिक देख सकते हो, न्यूक्लियर इफेक्टेड जो बच्चे पैदा होते हैं जापान के अंदर, उनका रेडिएशन आज निकलता है। तो ये रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन कोज करती हैं। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए को बदल देती हैं। इंसान के डीएनए को बदलने से तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी, कैथोड रेज, एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने कर ली। तो यहाँ तक अब आप इस वीडियो में आप करोगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो एटम्स के मॉडल, जे जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, क्वांटम मॉडल, इनमें से दो मॉडल आपने कर रखे हैं, जे जे थॉम्सन और रदरफोर्ड मॉडल 9th क्लास में, बोर भी कर रखा है, पर यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयरिंग करना मत भूलें अपने दोस्तों के बीच में, कोई जान पहचान का कोई हो तो उसमें शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले।